बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर फाइन एंड डूइंग योर वेल। डियर स्टूडेंट्स, आज के ये वीडियो स्पेशल बीएससी स्टूडेंट्स के लिए है। बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर काइंडली इंग्लिश का गेस्ट दे दें, तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपके लिए इंग्लिश का गेस्ट ले आया हूँ। इंशाल्लाह अगर आप इस गेस्ट को रेडी कर लें तो आप अच्छे नंबर बीएससी इंग्लिश में ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बीएससी इंग्लिश और बीए इंग्लिश, बीए के दोनों साल मिला लें तो बीएससी इंग्लिश उनके इक्वल बनती है। क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको इसमें एफर्ट करनी पड़ती है। बहुत से स्टूडेंट्स को इंग्लिश टफ भी लगती है, तो डियर स्टूडेंट्स परेशान होने की बात नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपके लिए शॉर्ट गेस्ट लेकर आया हूँ। अगर आप इसको अच्छी तरह से रेडी कर लेंगे तो उम्मीद है कि इसमें से आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर आपने सारी बुक रेडी नहीं की तो सिर्फ आप इसी गेस्ट को कर लें, इसी गेस्ट से इंशाल्लाह आपका अच्छा पेपर मिल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा गेस्ट क्या है। बीएससी पार्ट टू इंग्लिश गेस्ट फॉर एनुअल एग्जाम, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये गेस्ट है, बाकी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, गेस्ट देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एजुकेशन की दुनिया आपके लिए तमाम सब्जेक्ट के लेक्चर्स, नोट्स और गेस्ट पेपर लेकर आते हैं। तमाम वीडियोस आपके ही फायदे के लिए बनाई जाती हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब नाउ। पेपर गेस्ट देखने से पहले मैं आपको शॉर्ट व्यू दे दूं कि आपका पेपर पैटर्न आता कैसे है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को पेपर पैटर्न का नहीं पता होता तो वो कन्फ्यूज रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट टू इंग्लिश पेपर पैटर्न में क्या है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन में आपको क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर वन में आपको जो आपके प्रोज में से है, प्रोज पार्ट है, उसमें आपके कुछ ऐसे हैं, ऐसे मतलब कुछ स्टोरी टाइप ऐसे हैं जिसमें से आपको चार ऐसे आएंगे और आपने उसमें से दो करने, यानी कि चार क्वेश्चन आएंगे, आपने उसमें से दो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। हर क्वेश्चन के 25 नंबर हैं, तो दो के 25 और 25 50 हो जाएंगे ये। और पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो है इसके दो जुज होंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर वन के जो 25 नंबर है ना, उसके ए और बी पार्ट होगा जो कि दोनों कंपलसरी होंगे, आपने दोनों करने होंगे। ए के 15 नंबर हैं, ए के 10 नंबर हैं, तो दोनों मिला के 25 बन जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर वन का जो दूसरा पोर्शन है उसमें से भी आपको ऐसे ही आएंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर वन 50 नंबर का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू आपका प्रेसी का है। प्रेसी मीन कॉम्प्रिहेंशन, और प्रेसी को मिलाकर आपने बनाना होता है। इसमें से आपके 15 नंबर हैं, इसमें से दो पोर्शन होंगे, एक कॉम्प्रिहेंशन यानी कि आपने इस पैराग्राफ को, पैसेज को 1/3 में शॉर्ट करना होगा, जिसको हम तलखीस कहते हैं उर्दू जुबान में, और दूसरे नंबर पे प्रेसी है, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन है, जिसमें से आपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद नंबर थर्ड पर आपकी रिपोर्ट है, आपने रिपोर्ट लिखनी है किसी भी मुतलका अखबार के मैनेजर को कि आपकी कोई इशू है, आपने इसको सोल्व करवाना है, या आपने कोई इंपॉर्टेंट इशू पे बात उठानी है, तो आप अपनी रिपोर्ट लिख के दे देंगे कि मेरी ये रिपोर्ट जो है वो आपने न्यूज़पेपर में शाया कर लें, पब्लिश कर लें। उसके बाद नंबर फोर पे आपका ऐसे आना है, आउटलाइन ऐसे, जिसमें से आपको तीन ऐसे आएंगे और आपने कोई सा भी एक करना है जिसकी लेंथ 250 से 300 वर्ड के दरमियान होनी चाहिए। तो ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है। इसकी लेंथ के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो लेंथ के बारे में डियर स्टूडेंट्स आपके अगर 15 नंबर का ये क्वेश्चन है तो 5 पेज के राउंड अबाउट आप लिख दें तो आपकी लेंथ इनफ है, क्योंकि 5-6 पेज के दरमियान अगर लिखें तो ही आपके 250 और 300 वर्ड बनते हैं। 5 पेज से क्या मुराद है, एक शीट में 4 पेज होते हैं, तो आपने एक शीट पूरी लगानी है, साथ आपने हाफ शीट लगा देनी है, यानी कि 5 से 6 पेज आपके बन जाएंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट है, जिसमें ट्रांसलेशन और डायलॉग में से आपको चॉइस होती है कि आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। उर्दू टू इंग्लिश पैराग्राफ आता है जो आपने करना होता है। अगर आपको पैराग्राफ करने मुश्किल है, आपकी ग्रामर वीक है, तो आप डायलॉग कर लें। और डायलॉग जिन स्टूडेंट्स की ग्रामर वीक है उनको डायलॉग ही करना चाहिए, क्योंकि डायलॉग मल्टी भी अक्सर चल जाते हैं। मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा मल्टी करें, लेकिन ना होने से तो कुछ होना बेहतर है। तो आइए देखते हैं हमारे पास गेस में क्या है। क्वेश्चन नंबर वन जो आपको मैंने बताया था कि अटैम्प्ट एनी टू क्वेश्चन, आपने चार में से कोई दो सवाल हल करने हैं, तो उसमें से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर वन में से है डेमन ह्यूमन रेस, जो कि मार्क ट्वेन का है, और पूरी बुक में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला आपका।
स्पेसिफिक ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन रेस, इंसान की, इंसानी नस्ल की जो इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ हैं एज कंपैरिजन टू अदर रेसिस इन द वर्ल्ड, उसमें आपने उसकी ट्रेट्स लिखनी है। या फिर मार्क ट्वेन जो है वो इंसान को सबसे कम या घटिया मखलूक क्यों कहते हैं, तो इस बारे में आपने क्वेश्चन रेडी करना है अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर टू है, हाउ डज राइटर मेक डिफरेंस बिटवीन ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स। ये इंसान की क्वालिटीज़ है, कुछ ब्रोमाइड्स होते हैं कुछ सल्फाइड्स होते हैं, तो आपने दोनों की क्वालिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये क्वेश्चन रेडी करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद है द लास्ट लेसन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल लैंग्वेज एटीट्यूड ऑफ विलेजर्स टुवर्ड्स फ्रेंच लैंग्वेज। अपनी जो कौमी ज़ुबान होती है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और गांव वाले लोगों का फ्रेंच ज़ुबान की तरफ क्या रवैया था, तो ये कैसे आप रेडी करने हैं। उसके बाद है कैरेक्टर ऑफ हेमल हेमल एज ए टीचर, ये भी इसी चैप्टर में से है क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से ये दो क्वेश्चन बनाए गए हैं कि जो उनका टीचर था फ्रेंच हेमल, तो वो कैसा टीचर था या अपनी ज़ुबान के बारे में क्या सोचा था, उसका किरदार क्या है, तो आपने इस पर रेडी करना है क्वेश्चन अच्छी तरह से। हाउ टू लिव टू बी 200, 200 साल कैसे जिए, जिगन्स हेल्थ हैबिट्स, दोनों एक ही क्वेश्चन है कि जिगन जो था जिसने इतनी एक्सरसाइज की उसके बावजूद उसकी ज़िंदगी ना बरकरार रही, तो उसकी हेल्थ हैबिट्स कौन सी थी, तो इस पर आपने क्वेश्चन रेडी करना है। द ओपन विंडो ए स्टोरी फुल ऑफ सस्पेंस एंड हॉरर क्रिटिकल स्टडी ऑफ द स्टोरी, जो ये भी आपने करना है कि इसकी क्रिटिकल स्टडी करनी है, इसके अंदर जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उस पर आपने थोड़ा सा माइनर स्टडी करनी है अच्छी तरह से। ए स्टोरी फुल ऑफ सस्पेंस या हॉरर, किस तरह से ये कहानी जो है वो खौफ और हिरास से भरी हुई है, आपने ये क्वेश्चन रेडी करना है। प्लेस ऑफ साइंस इन ए लिबरल एजुकेशन, एक आज़ाद ख्याल तलीम में साइंस का क्या किरदार है, आपने इस पर भी क्वेश्चन रेडी करना है। डिफरेंस बिटवीन इमोशनल या सब्जेक्टिव मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव मीनिंग, दो तरह की मीनिंग होते हैं हमारी बात, एक बात वो है जो हम ओरिजिनल कर रहे होते हैं, एक बात वो होती है जो हम पर्सनल लेवल पे कर रहे होते हैं, तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मीनिंग पे आपने नोट लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉमन कोल्ड, अफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड के क्या अफेक्ट्स हैं, असरात हैं माशरे पर, उस पर आपने नोट लिखना है, या हिस्ट्री में से इसके आपने रेफरेंस दे देने हैं। क्वेश्चन फॉर प्रोज, उसके बाद 10 है सीक्रेट लाइफ ऑफ वाल्टर मिट्टी, कैरेक्टर स्केच ऑफ मिट्टी, सीक्रेट ऑफ हिज लाइफ या फिर कन्फ्लिक्ट, इसके अंदर क्या, ये सारे एक ही क्वेश्चन है, आपने उसका किरदार रेडी कर लेना है तो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर रेडी हो जाएंगे। उसके बाद है टीवी एडिक्शन, हार्म ऑफ टीवी एडिक्शन, हाउ टू कंट्रोल इट, टीवी एडिक्शन के क्या क्या नुकसान है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, पाकिस्तान बहुत बड़ा हुआ है, ख़ास तौर पर जो रात के ड्रामे लगते हैं तो लोग उस पर बहुत सा टाइम वेस्ट करते हैं, देखना चाहिए लेकिन इसको किसी लिमिटेड लेवल पर ले आए, तो इसमें क्या नुकसान आते हैं, इस पर नोट लिखना आपने। हाउ द पुअर डाई, लंदन एंड फ्रेंच हॉस्पिटल में पुअर की क्या कंडीशन है, इस पर आपने नोट लिखना है। सी एस लेविस व्यूज ऑन राइट एंड रॉन्ग, राइट और रॉन्ग पर माय राइटर के क्या नज़रियात हैं, बिहेवियर ऑफ पीपल टुवर्ड्स लॉ ऑफ नेचर, लोगों का जो कुदरत के कवानीन के बारे में रवैया है अक्सर, वो आपने उस पर नोट लिखना है। तो ये आपके क्वेश्चन थे जो आपने 13 सिर्फ आपको मैंने क्वेश्चन दिए हैं, आपके इतने प्रोज हैं, इतने चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में से 5-5-6 जो क्वेश्चन हैं आपको मैंने टोटल 13 क्वेश्चन दिए हैं, अगर आप उसको अच्छी तरह से कर लें तो इंशाल्लाह आपका पेपर इसमें से आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द पैसेज केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड मेक प्रेसी, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इसमें 3 चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन गौर से देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और अक्सर स्टूडेंट्स बहुत इसमें मिस्टेक्स कर जाते हैं जिसकी वजह से उनके नंबर नहीं आते, हालांकि ये आसान होता है इसको अटैम्प्ट करना, थोड़ा सा टेक्निकल ज़रूर है। तो इसमें आपको मैंने 3 चीज़ें अलग अलग लिखी हैं, आपने पैसे रीड करने हैं, क्वेश्चन के आंसर देने हैं, फिर आपने उसकी प्रेसी बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूँ, तो इसको अच्छी तरह से अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से रेडी कर लेंगे। स्टूडेंट्स अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले पैराग्राफ को रीड करते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं आपको ये कहूँगा कि आप पहले क्वेश्चन को रीड करें, क्योंकि क्वेश्चन रीड करने से आपको पैराग्राफ का जल्द ही नज़रिया समझ में आ जाएगा कि पैराग्राफ का मेन थीम क्या है, किस बारे में बात की जा रही है। तो अगर आप चाहें तो बेशक आप पहले पैसेज पढ़ लें, नो इशू, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ें उसके बाद आप पैराग्राफ की रीडिंग करें। तो पहला पॉइंट आपने क्या करना है, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद आपने स्टार्ट रीडिंग पैसेज एंड ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड द मेन थीम,
फिर आपने प्रेसी को या पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करना है, और फिर आपने उसका मेन थीम समझने की कोशिश करनी है कि इसके अंदर क्या बात की जा रही है। उसके बाद आपने क्या करना है, री रीड द पैसेज एंड अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको दोबारा फिर पढ़ना। अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ के क्वेश्चन की तरफ लपक जाते हैं। पहली बार पढ़ने से कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको समझ आती है पैराग्राफ की, वरना अमूमन 67% को समझ सारी नहीं आती। अगर आ भी जाए तो दोबारा फिर भी रीड करना चाहिए ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। जब आप सेकेंड बार इसको रीड करेंगे तो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेना, यानी कि वो पॉइंट्स जो आपने अपने प्रेसी के अंदर मेंशन करने हैं। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दो बार पढ़ने के बाद पॉइंट्स को अंडरलाइन करने के बाद फिर आपने क्वेश्चंस के आंसर देने स्टार्ट करने हैं। और यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि आपने आंसर अपनी वर्डिंग में करने हैं, पैराग्राफ से कॉपी नहीं करने। अगर आपकी राइटिंग वीक है, आपको लिखने में तंगी आती है, आपको टेंसेस नहीं आती, तो फिर आप अंदर से ले सकते हैं। अदरवाइज आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने वर्डिंग में ही इसको लिखें। डोंट कॉपी एनी सेंटेंस एज इट इज़। अगर आपने अंदर से भी लेना है तो फिर भी आपको एज इट इज़ कॉपी नहीं करनी चाहिए, कुछ सिनोनिम चेंज कर देने चाहिए, कुछ ना कुछ उसकी वर्डिंग चेंज करके लिखना चाहिए ताकि उसको डाउट ना हो कि इसने अंदर से कॉपी की है। बैठे होते हैं जो पेपर चेकर, वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, तो हम उनको चीट नहीं कर सकते। अगर हम कहें कि उनको कौन सा पता चलता है तो सब पता चल जाता है, इस गलतफहमी में ना रहिएगा। यूज़ द सेम सेंटेंस एज गिवन इन द पैसेज। जिस सेंटेंस में या टेंस में आपको पैसेज दिया गया है, आपने उसी में ही इसका आंसर करना है। अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में आंसर करेंगे, अगर पैराग्राफ पास्ट में है तो आप उसके क्वेश्चन आंसर भी पास्ट में ही लिखेंगे, प्रेसे भी पास्ट में ही करेंगे। राइट टाइटल इवन इट इज़ नॉट आस्क। अगर उसका टाइटल नहीं पूछा गया, क्वेश्चन के अंदर कहा जाता है कि इसका टाइटल दें सूटेबल, और साथ आप इसकी प्रेसे भी करें, लेकिन इन केस अगर नहीं पूछा गया तो फिर भी आपने इसका टाइटल लाजमी लिख देना है। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है मेक अ प्रेसी और कंप्रेस द पैसेज टू 1/3। फिर आपने उस पैराग्राफ की प्रेसी या तलखीस करनी है। 1/3 में अगर 300 वर्ड है तो 100 वर्ड में लिखना है, अगर 400 वर्ड है तो राउंड पोर्ट आपका 150 125 बन जाएगा। तो इस तरह से आपने कर करा के इसकी प्रेसी करनी है, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एजुकेशन की दुनिया आपके लिए नोट्स, गेस्ट पेपर्स, लेक्चर्स लेकर आती है जो आप ही के फ़ायदे के लिए होती हैं और आप इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। अब मैंने पहले भी ये बताया था कि आपको 3 ऐसे आएंगे जिसमें से आपने कोई सा एक करना है, और ऐसे की लेंथ आपको मैंने बताई थी कि 5 पेज के राउंड अबाउट आपके ऐसे की लेंथ होनी चाहिए, जो कि आपके 250 से 300 वर्ड बन जाते हैं। लेकिन ये राइटिंग पे डिपेंड करता है, कुछ स्टूडेंट्स की राइटिंग बहुत क्लोज होती है, कुछ बड़े बड़े लिखते हैं, तो इस पर बड़ा डिपेंड करता है ये। लेकिन 5 पेज के राउंड अबाउट आपको लाजमी कर देना चाहिए, चाहे आपकी राइटिंग छोटी हो चाहे आपकी राइटिंग बड़ी हो। आउटलाइन ऐसे में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो इस बार पेपर में आने के चांसेस हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान के रिलेटेड ऐसेज की बात करेंगे जिसमें सोशल इवल्स हैं, पाकिस्तान में सामाजिक बुराइयाँ कौन सी हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। अगर आप समझें तो ये ऐसे दोनों तकरीबन एक ही बनते हैं, जो हमारी सामाजिक बुराइयाँ हैं वही हमारी प्रॉब्लम्स हैं। वैसे तो ये पेपर टू द पॉइंट में या बाकी की बुक्स में अलग अलग दिए होते हैं, लेकिन अगर हम इसको बनाना चाहें तो उसको हम एक बना सकते हैं। आपको दोनों ऐसे को अच्छी तरह से रीड करना चाहिए और आप इनका निचोड़ निकाल के इस दोनों को एक ही बना लें। तो इसमें से जो मेन पॉइंट है पाकिस्तान के सोशल लेवल या प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं, करप्शन है, वाटर क्राइसिस है, इन्फ्लेशन है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोड शेडिंग है, और बहुत से इशू निकालें तो हम बड़े आराम से 15-20 तो मोटे मोटे इशू निकल ही आएंगे। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मैं एक बात और बता दूँ कि ये ऐसे आपको सेपरेट भी आ सकते हैं और ये आपको कंबाइंड भी आ सकते हैं, यानी कि वो ये कहेंगे प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान पर नोट लिखें या पाकिस्तान में सोशल इवल्स पर नोट लिखें, तो आप इन पे हर पॉइंट पे आप पैराग्राफ लिख देंगे। लेकिन अगर आपसे वो सेपरेट पूछता है करप्शन पर नोट लिखें, सिर्फ करप्शन पर, तो फिर आपको ये ऐसे भी अच्छी तरह से अलग भी रेडी करने चाहिए और कंबाइंड भी रेडी करने चाहिए, ठीक है। इस बार इन्फ्लेशन के चांसेस भी हैं कि आ सकता है, इकोनॉमिक क्राइसिस के भी हैं कि, और अनएम्प्लॉयमेंट में भी ऐसे आने के चांसेस हैं।
उसके बाद पाकिस्तान के रिलेटेड जो दूसरा इम्पोर्टेंट ऐसे है वो है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। पाकिस्तान में मजहबी शिदत पसंदी बहुत बढ़ती जा रही है। आपको पता है कि पाकिस्तान में मजहब के नाम पर बहुत कतर होते हैं, बहुत दंगा फसाद होता है, तो इस पे इस दफ़ा ऐसे आने के चांसेस हैं। उसके बाद आपने करना है नंबर थर्ड पे डेमोक्रेसी, कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है वो अच्छी है बुरी है, उसके क्या क्या आपको पता ही है। आप पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अप हीवल आजकल चल रहा है, कभी कोई वज़ीर आज़म बन जाता है, कभी कोई बन जाता है, क्या क्या मसले मसाइल आ रहे हैं, आप सब उस बात से बखूबी आगाह हैं। तो डेमोक्रेसी पाकिस्तान में कामयाब है कि नाकाम है, इसके फ़ायदे हैं कि नुकसान है, तो आपने इस पे भी एक अच्छी तरह से ऐसे रेडी करना है। उसके बाद नंबर फोर पे है विलेज लाइफ और सिटी लाइफ, आपने ऐसे करना है, इनमें अक्सर आया रहता है, तो आपने ये भी ऐसे रेडी कर लेना है। उसके बाद विमेन एजुकेशन, विमेन रोल इन सोसाइटी, ये ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीए और बीएससी स्टूडेंट्स, बोथ स्टूडेंट्स को ये ऐसे अच्छी तरह से रेडी करने चाहिए जो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद सोशल मीडिया, इंटरनेट एडिक्शन, सोशल मीडिया के क्या फ़ायदे हैं, नुकसान आते हैं, इंटरनेट की जो एडिक्शन यानी कि इंटरनेट की जो आदत लोगों को बन जाती है कि फजूल फेसबुक खोल लेते हैं, टिकटॉक खोल के उसको स्क्रॉल करते जाएंगे, 2 घंटे फजूल में ज़ाया कर देंगे। तो ये इंटरनेट की जो एडिक्शन है, सुबह उठते ही मोबाइल देखना, सारा दिन मोबाइल पर लगे रहना, तो ये इसके क्या नुकसान आते हैं, इस पर आपने नोट लिखना है। ये आपको मैंने 6 ऐसे बताए हैं, इंशाल्लाह इसमें से आपको उम्मीद है कि इस बार ऐसे मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए रिपोर्ट टू द न्यूज़ पेपर और एनी टॉपिक। आपको रिपोर्ट आएगी जिसमें से आपने किसी एक पर, आपको आएगी बल्कि एक चॉइस नहीं होगी, तो आपने रिपोर्ट लिखनी है। राइट अ रिपोर्ट टू द न्यूज़ पेपर, आपने न्यूज़ पेपर के नाम मुतल्लिका न्यूज़ पेपर जिसमें आप अपनी रिपोर्ट शाया करवानी है, उसके नाम आपने ये अपनी लिखनी है, दरख्वास्त लिखनी है। तो इसमें आपकी जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो इस बार आने के चांसेस हैं वो इकोनॉमिकल है, सोशल है, रिलीजियस है, करंट अफेयर के, इसमें से किसी भी चीज़ पर रिपोर्ट पूछी जा सकती है। कोई मुआशी इशू है, कोई समाजी इशू है, कोई मजहबी इशू है, या कोई भी करंट अफेयर जो चल रहे हैं पाकिस्तान में, किसी भी चीज़ पर रिपोर्ट पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आपकी स्क्रीन पर सामने हैं, 8 हैं, तो ये आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें से भी रिपोर्ट मिल जाएगी। अफेक्ट्स ऑफ कोरोना वायरस ऑन सोसाइटी एंड इकोनॉमी, कोरोना वायरस के मुआशे पर क्या असरात हुए हैं, यानी कि कोरोना वायरस आजकल तो ख़त्म है तकरीबन, उसका नाम कहीं भी नहीं है, लेकिन उसके जो नुकसानात हुए हैं उसकी बदौलत लोगों के कारोबार पर क्या अफेक्ट पड़ा है, क्या इम्पेक्ट हुआ है, आपने उस पर नोट लिखना है। ऑन राइजिंग प्राइसेस, रिपोर्ट लिखनी है कि प्राइसेस जो चीज़ों की बढ़ रही हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, या उसके लिए कोई सजेशन है तो आप उस पर लिखेंगे। नीड ऑफ गुड गवर्नेंस इन द कंट्री, हमारे मुल्क में जो है वो अच्छी गवर्नेंस की ज़रूरत है, ताकि लोगों को शौर दिया जाए, आगाह किया जाए कि उनके मसले मसाइल क्या हैं, कैसे सॉल्व हो सकते हैं, पाकिस्तान के जो मसाइल उनको कैसे हल कर सकते हैं, इस बारे में गुड गवर्नेंस की क्या ज़रूरत है कंट्री में, इस पर नोट लिखना है। वायलेशन ऑफ वुमेन राइट, राइट ऑफ वर्किंग वुमेन, हमारे माशरे में औरतों को काम करने के दौरान कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनके कौन कौन से हकूक हैं जो उनको मिलने चाहिए, इस पर आपने रिपोर्ट लिखनी है। ऑन ड्रग एडिक्शन, नशे की जो लत है, नशे की जो आदत है, ये भी बहुत बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, 10 मिलियन के नज़दीक, सॉरी 5 मिलियन के नज़दीक पाकिस्तान में इस वक्त ड्रग अडिक्ट मौजूद हैं, आपने इस पर नोट लिखनी है। इसको आप शक गूगल करेंगे तो आपको इसमें से रिपोर्ट मिल जाएगी, उसको भी आपने अच्छी तरह से रेडी करना है। हर गली मोहल्ले में तकरीबन नशाई बैठे होते हैं, इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, वल्ला आलम क्या क्या कर रहे होते हैं, देखने को दिल नहीं करता। उसके बाद है पुलिस रिफॉर्म्स, माशरे में पुलिस का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने पुलिस की अच्छी कारकर्दगी को उजागर करने के लिए रिपोर्ट लिखनी है कि उनकी बहाली के लिए काम किया जाए, उनके अंदर रेफर्मेशन ले किया जाए, ताकि उनको इंसानियत सिखाई जाए। उसके बाद रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, ये ऐसे भी करना है, आपने रिपोर्ट भी करनी है कि मुल्क के अंदर बढ़ती हुई मजहबी शिदत पसंदी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। और लास्ट पे आपको एक मल्टी रिपोर्ट भी रेडी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई रिपोर्ट नहीं मिलती, अल्लाह ना करे, तो आपको मल्टी ज़रूर काम दे जाती है, और मल्टी रिपोर्ट और मल्टी एप्लीकेशन अमूमन चल जाती है, मल्टी ऐसे चलना कम होता है, तो इसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रांसलेशन और डायलॉग में चॉइस है, तो इसके लिए दोनों के लिए आपको बेसिक टेंसेज आने चाहिए, बेसिक यूजेज आने चाहिए, और आपको कंडीशनल सेंटेंस, इस तरह की चीज़ें आपको लाजमी आनी चाहिए अगर आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो ग्रामर के बगैर पॉसिबल नहीं होता। डायलॉग के लिए चॉइस होती है, डायलॉग फिर भी किसी हद तक रटा रटाया चल जाता है, लेकिन पैराग्राफ के लिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। दोस्तों, अगर आप इस गैस पेपर को
टेक्स्ट में हासिल करना चाहते हैं, अगर आपसे सारी स्क्रीनशॉट्स नहीं ली जा सकती तो आप एक सिंपल सा काम करें, penpower.com वेबसाइट पर जाएं, उसमें आपको ये सारा गैस पेपर बड़ी आराम से आसानी से मिल जाएगा। उसको आप बेशक कॉपी कर लें अपने व्हाट्सएप पे या कहीं और कॉपी करके रख लें, तो आप इजीली उसको अपने नोटबुक पे लिखें और उसको याद करना शुरू करें। तो पेन पावर पर आप कैसे पहुंच सकते हैं, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले आपने penpower.com लिखना है गूगल पर, फिर जब वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो उसमें पेज आएंगे, आपने एजुकेशन के पेज पर क्लिक करेंगे। जब एजुकेशन के पेज पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद उसमें दो ऑप्शन होंगे, BA का होगा, BA पार्ट वन, BA पार्ट टू का होगा, उसके अंदर BSc का ऑप्शन भी होगा। आपने BSc पार्ट टू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी ये सारा गैस पेपर आपके सामने आ जाएगा, आप उसको बड़े आराम से कॉपी कर सकते हैं। अगर आपके लिए ये सारा कुछ मुश्किल है तो सिंपल एक काम करें कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करें तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। डायलॉग कौन से आपको करने चाहिए, डायलॉग जो इंपॉर्टेंट है इस साल जो आने के चांसेस हैं उनमें से, टू फ्रेंड्स ऑन चूजिंग द राइट प्रोफेशन, दो दोस्तों के दरमियान कौन सा पेशा अख्तियार करना है इस बारे में डिस्कशन है, उस पर नोट लिखना है। आपने अक्सर हम करते हैं कि जब मैटर कर लेते हैं तो इंटर कर लेते हैं तो उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं कि अब क्या करना चाहिए, तो प्रोफेशन को बड़ी एहतियात से चूज़ करना चाहिए कि हम किस में आगे अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। टू वर्कर्स और राइजिंग प्राइसेस, दो मज़दूरों के दरमियान बेचारे महंगाई के मारे उनके दरमियान बहस चल रही है कि चीज़ें बढ़ रही हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, क्या किया जाए, तो उनके आपस में डिस्कशन हो रही है। टू पीपल ऑन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में बहुत बहस हो रही है पाकिस्तान में, फेसबुक भरी पड़ी है, इंस्टा भरा पड़ा है, तो इस पर आपने नोट लिखना है कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में या ओवरऑल इसके क्या फ़ायदे नुकसान आते हैं। टू पीपल ऑन विलेज एंड सिटी लाइफ, दो दोस्तों के दरमियान शहर की ज़िंदगी बेहतर है या गाँव की ज़िंदगी बेहतर है, इस पर नोट लिखना है। और उसके बाद आपको फिर मल्टी डायलॉग लाजमी करना चाहिए, अगर आपको अल्लाह ना करे कोई नहीं मिलता तो आप मल्टी, तो चलो आपके पास चॉइस होगी, आप इसको अच्छी तरह से रेडी कर लेना। तो मल्टी डायलॉग भी आपको मैं वेबसाइट पर लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वेबसाइट से बड़ी आसानी से इसको भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका गेस्ट था, मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको अच्छे नंबरों से कामयाब करे। अगर आपको मज़ीद एजुकेशनल वीडियोस, नोट्स, लेक्चर्स चाहिए, गैस पेपर चाहिए, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दें, क्योंकि बाकी दोस्तों का भी भला हो जाए, उसको भी उनको भी ये गैस मिल जाए। और वीडियो लेक्चर आपको यहाँ मिलते रहेंगे, अगर आप उसको टेक्स्ट में पढ़ना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर विज़िट कर लें। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।